जिसमें आप लोगों को बहुत मजा भी आएगा और आप लोग अपनी स्टडीज को और इम्प्रूव भी कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, हमारा हैक नंबर वन ये है कि आपको अपनी स्टडी टेबल को हमेशा मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी स्टडी टेबल ही मैसी होगी या उसमें कोई भी सामान आप नहीं रखते हैं संभाल के, कहीं स्टेशनरी सप्लाइंसेस है, कहीं आपकी बुक, कहीं नोटबुक, तो आपको पढ़ाई में मन रहेगा और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होंगे, क्योंकि आप पढ़ने बैठे अपनी टेबल पे आपकी बुक, जैसे कि आप मैथ्स जो कि है पढ़ रहे हैं, तो नोटबुक तो है आपके पास, मैथ्स की बुक बताने का है, आपकी रिविजन नोट बताने का है, तो इसलिए आपको अपनी जो टेबल है स्टडी टेबल उसमें हर चीज़ को कैटेगराइज करके रखना चाहिए, जैसे कि आपकी स्टेशनरी सप्लाइसेस स्कूल की अलग और घर की, मतलब आपकी होम वाली अलग होनी चाहिए और बाकी सब अलग होना चाहिए। और सबसे पहली बात कि आपको हमेशा उसे टाइम फ्रेम मेंटेन रखना चाहिए, वो भी कैसे, जैसे कि अगर अभी मैं पढ़ाई करके मैं मान लो मैं उठ गई हूँ तो मेरे पास टाइम होता है, अगर आप अपनी हमेशा स्टडी टेबल मेंटेन रखेंगे तो आपके 5 to 10 मिनट्स लगेंगे आपको उसे रोज मेंटेन करने में, मतलब आप पढ़ाई करके उठे, आपने जल्दी से उसको साफ करा और पूरा मेंटेन करा। अगर आप कम सामान रखते हैं टेबल पे तो और भी जल्दी हो जाएगा, अगर आपका थोड़ा ज़्यादा सामान है तो भी 10 मिनट्स के अंदर हो ही जाएगा, ज़्यादा कुछ अगर आप नहीं फैलाते हैं तो, या फिर अगर आपकी आदत है फैलाने या पढ़ने की, मतलब थोड़ा ही ना सामान अलग अलग करने की, तो भी आपका जल्दी हो जाएगा। और सेकेंड थिंग, आपको संडे का टाइम मिलता है फ्री, तो उस पर अपनी पूरी टेबल, सिर्फ ऊपर का यानी ड्रॉज वाली है तो वो टेबल, अगर आपके मतलब कुछ भी अगर उसमें और है तो आप उसको भी साफ कर सकते हैं संडे का टाइम। अभी तो लॉकडाउन, मतलब सॉरी अभी तो क्योंकि कोविड चल रहा है तो इस वजह से हम स्कूल तो जा नहीं रहे, हमारे पास ऑल टाइम हम फ्री ही हैं, बट स्कूल जब हम जाते हैं उस टाइम पर हमारे पास सिर्फ होता है संडे का टाइम, तो आप उस संडे के टाइम पे अपने स्टडी टेबल को मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए, आप बहुत बातें हो गई, अब मैं ले चलती हूँ आपको अपने स्टडी टेबल के पास। सो फ्रेंड्स, आप ये है वेहफ की टेबल, तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ड्राइंग्स ड्राइंग्स नोटबुक रखी है, तो आप वेहफ यहीं पर बैठ के ड्राइंग करता है, तो उसको अलग उसकी एक टेबल थोड़ी छोटी है इसलिए उसको पढ़ता नहीं, क्योंकि उसको उसका भी सामान ज़्यादा है अभी इस समय, तो उसमें ड्राइंग कर लेता है, क्योंकि जैसे कि आपको दिख रहा है वहाँ की बहुत सारी ड्राइंग्स नोटबुक यहाँ पर हैं, अभी कुछ काम हो चुकी हैं क्योंकि वह अपने हटा लिए हैं, पहले से कहा था मुझे वीडियो शूट करा तो कहने लगा मैं हटा देता हूँ, तो मैंने कहा हटाओ मत, मतलब वीडियो में हम सबको फ्रेंड्स को दिखा देंगे, तो उसने व्यवस्थित करके हटा ली। बाय द वे उसकी ये ड्राइंग नोटबुक आपने देखी होगी, इसमें पोर्ट्रेट भी है बहुत सारे और ड्राइंग्स भी है और ये पुरानी वाली भी है, फीस का वीडियो वह अलग से आपके लिए जरूर लाएगा। तो चलिए, अब मैं अपनी टेबल स्टडी टेबल की तरफ आपको ले जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी स्टडी टेबल, तो जैसे कि आपको दिख रहा है मेरी स्टडी टेबल वर्क की अलग अलग इसलिए है, सबसे पहली बात क्योंकि ना हम लोग अलग वर्क की ड्राइंग टेबल है वह भी इसी में पढ़ता है, तो अभी मैंने पढ़ाई करी तो मैं अपना सारा सामान उसमें उठा लेती हूँ, हम ज़्यादा मतलब हम जिस टाइम पढ़ने बैठते हैं मतलब स्टडी टाइम पर तो ही अपना सामान यहाँ पर रखते हैं, जो भी स्टडी स्टफ होता है और टेबल लंबा अभी पीछे हम लोग करते भी रहते हैं, आपकी ड्राइंग टेबल थी और ये हम दोनों की स्टडी टेबल है, तो वैसे हम लोग टेबल कम ही यूज करते हैं क्योंकि हमारे घर में ज्यादा कोई है नहीं, पापा हमारे ऑफिस चले जाते हैं, मम्मा काम करती रहती है, तो हम लोग अकेले पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आता, इसलिए मैं और वैभव डाइनिंग हमारा जो टेबल है वहाँ पढ़ते हैं, उस टाइम हमारे घर जब टीवी देख रहे होते हैं हमारे हॉल में, तो हम लोग अपने बेडरूम में जाके पढ़ते हैं, वहाँ पे हम लोग स्टडी टेबल अपनी मैनेज कर लेते हैं। तो अभी मैंने पढ़ाई करी थी, मेरा होमवर्क कम्प्लीट करा, तो इसमें थोड़ा बहुत सामान है तो मैंने उसको ठीक नहीं करा, मतलब अभी ऐसे ही था। तो चलिए, हम लोग अपना नेक्स्ट हैक पे चलते हैं। अब हमारा है सेकंड हैक, जो कि है मैनेजिंग योर स्टडी स्टफ, जो कि हमारा सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हैक है हमारी स्टडीज के लिए, क्योंकि अगर आपका स्टडी स्टफ ही जगह पे नहीं होगा, कोई इधर हो कोई इधर हो, इसके मैंने फर्स्ट हैक में बताया, आप पढ़ाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, अगर आप मैथ्स लगा रहे हो, बुक कहीं और हो, नोटबुक यहाँ पे हो, रिवीजन नोटबुक कहीं और हो, या फिर अगर आपकी पेन पेंसिल्स भी कहीं और हो तो आपको ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मेरे साथ तो ये नहीं होता, क्योंकि मैंने अपना हर चीज़ अलग अलग रखा है, क्योंकि जैसे कि मेरी जो अभी जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा अभी कोई सामान स्कूल का बाहर आपको दिख नहीं रहा, क्योंकि अभी क्योंकि हम स्कूल जा नहीं रहे हैं, तो मेरा सारा स्टडीज़ जो मतलब नोटबुक्स हैं और बुक्स हैं सारी हमारे बैग्स में हैं, उसके अलावा जैसे कि हो जाता है स्टेशनरी का सामान, तो वो मेरी अलमीरा है मैंने जो बनाई है स्टडी नोटबुक्स के लिए, बुक्स के लिए,
अगर हम लोग स्कूल जा रहे होते तो हम अपनी नोटबुक्स डे बाई डे मैनेज करते, क्योंकि चेंज होता रहता है हमारा सिलेबस, जैसे कि मंडे को एक कुछ नोटबुक्स, कुछ सैटरडे को ऐसा, तो फिर मैं चेंज करते रहते हूँ। लेकिन अभी तो हम स्कूल जा नहीं रहे तो हमारा कुछ चेंज नहीं हो रहा। और मेरे क्राफ्ट की नोटबुक्स, सॉरी मेरा क्राफ्ट के पेपर, सिजर्स, टेप, जो मतलब क्राफ्ट से रिलेटेड, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड है, तो मैंने उनको अलग अपना अलमीरा में रखा है। और जो मेरा स्टडीज है, जैसे कि नोटबुक, बुक्स घर की है, होम वाली है, जो स्कूल वाली भी एक्स्ट्रा है, उनको मैंने अलग अलमीरा में रखी है। तो चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। आर्ट एंड क्राफ्ट की पूरी अलमीरा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मेरी कलर प्लेट रखी है, ऑयल पेस्ट कलर रखे हैं, और भी बहुत सारे देखिए कलर्स हैं। यहाँ पे कुछ चॉक्स भी है मेरी, यहाँ पे कुछ मेरे बॉक्सेस हैं जिनमें मैंने अपने क्राफ्ट से की जो कि है आइटम्स रखे हैं, और ये कोई मेरी कुछ मेडिसिन से तो मैंने इस पे रख ली थी। उसके अलावा ये देखिए मेरा टेप इधर है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने अपने टेप का भी एक अलग बॉक्स बनाया है। ये देखिए, तो मैं आपको दिखा, ये अभी वह हमने शायद टेप यूज़ करा था, उसने अंदर नहीं रखा है। ये देखिए हमारे कुछ, सॉरी फ्रेंड्स, मैंने अपनी मेडिसिन हटा ली क्योंकि मुझे उनको रोज देना पड़ता है ना, इसलिए मैंने अपने रूम में ही रखे हैं ताकि मैं रोज, आप पास में भी है और मैं रोज उनको ले सकूं। और तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि है ये। तो ये मेरा पूरा टेप बॉक्स है, इसमें और भी टेप्स थे, बट ड्राइवर्स क्योंकि यूज करता है तो वो टेप्स हमारे गोल हो जाते हैं, तो मुझे रोज दूर दूर के रखने भी पड़ते हैं। और उसके अलावा देखिए ये मेरे हैं कुछ चार्ट्स पेपर है जिनपे मैंने वीडियोज भी बनाए थे, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। उसके अलावा मेरी यहाँ पे देखिए कुछ स्केल्स हैं, ये हमारा पेन है, पेन पेन, तो मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। हमारी स्केल्स भी हैं जो कि मैं यहाँ पे रखती हूँ इसके बगल में। ये मेरा पेन है, वैभव का है एक्चुअली, ये वैभव का पेन है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जेल पेन है, तो ये मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। ये मेरे ऑयल पेस्ट कलर्स हैं, और ये वैभव के ऑयल पेस्ट कलर्स हैं, और ये वैभव ने यहाँ पे रख दी स्केल। तो ये हो गई मेरी क्राफ्ट, ये है इधर इस साइड है मेरा क्राफ्ट आइटम, यहाँ तक ऑनली मेरा है, एंड यहाँ से वैभव का क्राफ्ट आइटम स्टार्ट होता है। वैभव के बॉक्सेस हैं, किट है, ड्राइंग किट है, ये टेप उसने अपने पास रख रखी थी उसके बॉक्स था, एंड ये उसका क्राफ्ट बॉक्स है, ये उसकी कुछ क्रेयॉन्स है। उसको अभी क्राफ्ट बहुत कम होता है क्योंकि अभी वो छोटी क्लास में है ना, इसलिए उसका क्राफ्ट कम बनता है, उसके बाद कम आइटम्स है। मेरे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वैभव के पास कम आइटम्स है और मेरे पास उसे डबल आइटम्स है। तो चलिए अब अगर हम लोगों को जरूरत होती है, जैसे कि वैभव को अगर मेरी कलर प्लेट की जरूरत हुई, जैसे कि यहाँ पे है हमारे पास सिंगल है अभी, तो हम लोग क्या करते हैं एक दूसरे से पूछ के हम लोग एक दूसरे का स्टडी स्टफ या फिर स्टेशनरी या फिर क्राफ्ट स्टफ यूज कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को साथ में मैनेज करना पड़ता है। वैभव के पास कम है और मेरे पास ज्यादा है, तो मैं उसको दे देती हूँ, और कभी कोई ऐसी चीज है तो वैभव के पास है मेरे पास नहीं, तो मैं उससे बोल के वो मुझे आराम से बिना कुछ कहे दे देता है। तो चलिए अब मैं आपको अपने बैग में ले चलती हूँ, दिखा दूंगी मेरे सारा स्टडी स्टफ। सो फ्रेंड्स, ये देख फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये है मेरा बैग, इसमें मैंने अपने सारे आइटम्स रखे हैं, जैसे कि मेरी नोटबुक्स हैं, यहाँ पे कुछ एक नोटबुक बुक भी है, कुछ रजिस्टर्स भी हैं मेरे स्कूल के सारे, और उसके जस्ट नेक्स्ट चेन में मेरी बुक्स हैं। ये देखिए मेरी बुक्स सारी रखी हुई हैं। तो चलिए अब मैं आपको हम मेरी स्टडी जो कि है अलमीरा में मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरे अलमीरा से मेरे बॉक्सेस रखे हैं और रखी हैं कुछ नोटबुक्स। तो चलिए हम नेक्स्ट हैक पे चलते हैं। हमारा थर्ड है की है कि कंसंट्रेट ऑन योर रीडिंग, आपको अपने रीडिंग पे कंसंट्रेट करना चाहिए। उससे क्या होगा, सबसे पहले अगर आप लोग अपनी रीडिंग पे कंसंट्रेट करेंगे, लेसन जैसे आप कोई भी रीड कर रहे हो, तो उससे आपका जो चैप्टर है वो आपको लर्न हो जाएगा, और आपको सिर्फ रीड ही नहीं करना है चैप्टर को, क्योंकि रीड करने से क्या होगा, मतलब आप लोग रीड कर लेंगे, उसको समझना भी है। अगर आप लोग चैप्टर समझ लेते हैं तो आगे जाके उसके क्वेश्चंस जो होते हैं चैप्टर से रिलेटेड, उसको आप अपने एग्जाम टाइम में बहुत ही आसानी से जो कि सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं भी करती हूँ, जैसे कि मुझे लगता है, तो मैं थोड़ा अपने कैमरे को जूम करके आपसे मिलती हूँ, क्या करती हूँ, जैसे कि मेरे चैप्टर में अगर मुझे कोई हाईलाइटेड, मुझे जैसे कि कुछ हाईलाइट करना हो, कुछ हार्ड वर्ड्स मिले हो, तो मैं उनको क्या करती हूँ पेंसिल से, नहीं तो मेरे स्केचेस हैं, मेरे पास हाईलाइटर नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ, तो अगर आपके पास भी हाईलाइटर नहीं है तो ये भी हमारा हैक हो गया।
आप इसको यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप हाइलाइटर यूज करो, आप स्केचेस भी यूज कर सकते हो। तो जैसे कि मेरे कुछ हार्डवर्ड है इसमें, तो मैं इनको बाय हाइलाइटर हाइलाइट कर लेती हूँ, और उसके बाद अपने रिविजन नोटबुक में इनको क्या इनकी हिंदी मीनिंग लिख लेती हूँ, और उससे मुझे ये सारे समझ में भी आ जाते हैं और मेरा पूरा का पूरा जो कि है लेसन मुझे कंप्लीटली समझ में आ जाता है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट हैक की तरफ। तो फ्रेंड्स हमारा फोर्थ हैक ये है कि अगर आप लोग भी जैसे कि आप लोग कंटिन्यूसली 3 से 4 घंटे पढ़ते हैं, तो आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है पढ़ाई करते करते। तो बीच में आपके माइंड को अपलिफ्ट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना चाहिए। आपको गार्डन में जाना चाहिए, आपको टीवी या फिर मोबाइल आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है, क्योंकि वो आपको डिस्ट्रैक्शन कर देगा आपकी पढ़ाई, तो वो तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप अपने खा सकते हैं, कुछ जूस पी सकते हैं, मिल्क पी सकते हैं, या फिर आप गार्डन में जाके प्लांट्स को वाटर हैं, तो इससे आपके प्लांट्स को वाटर भी जो आप दे देंगे और साथ ही साथ छोटा सा ब्रेक भी मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट हैक पे। फ्रेंड्स हमारा फिफ्थ हैक ये है कि आपको अपने साथ एक पेपर क्लिप जरूर रखनी चाहिए। क्यों मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मैं ये चैप्टर रीड कर रही थी, और जैसे कि मैंने हाफ चैप्टर रीड करा और उसके बाद मुझे इसे कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने का मन हुआ, तो आप ऐसी पेपर क्लिप को यूज करके ऐसे अपने चैप्टर पे लगा सकते हैं, मतलब एक तरीके से, या फिर आप ऐसे लगा सकते हैं और इसको क्लोज कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा आप जब भी इसको ओपन करेंगे आपको वही चैप्टर निकल के आएगा, और उसके बाद आप अपने चैप्टर को रीड कर सकते हैं और इसको चेंज मतलब लगा सकते हैं। इसके अलावा ये तो मेरी डेंट मतलब मैं डेंटिस्ट के पास मैंने इसको लिया था, ये मेरा थोड़ा फैंसी वाला है, और एक सिंपल वाला पेपर पिन भी आता है, पेपर क्लिप आती है, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे सिक्स्थ हैक की तरफ। तो हमारा सिक्स्थ हैक ये है कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट्स पढ़ना है जिनमें आपका बिल्कुल मन नहीं, जैसे आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, तो जैसे कि मैथ्स में मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और इंग्लिश में इंटरेस्ट है, तो अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं उसके बाद आप इंग्लिश पढ़ लीजिए, उसके साथ आप इंग्लिश पढ़ लीजिए, इससे क्या होगा आपका जो कि है, अगर आपका मन नहीं भी होगा पढ़ने का, तो इंग्लिश क्योंकि फेवरेट सब्जेक्ट है, इंटरेस्ट है उसमें, तो आप वो इंग्लिश को पढ़ेंगे। तो कि जैसे कि मैं मैथ्स लगा रही हूँ, मेरा मैं बोर हो चुकी हूँ उससे, तो मैं क्या करूँगी इंग्लिश को पढ़ लूँगी और उससे मेरा मूड अपलिफ्ट हो जाएगा, फिर से मैं मैथ्स लगाना स्टार्ट कर दूँगी। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट हैक की तरफ। ये है मेरा लास्ट एंड ये एट्थ है मेरा हैक, जो कि है आपको पढ़ाई करते समय आपको कंफर्टेबल क्लॉथ पहनने चाहिए, क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल क्लॉथ नहीं पहनेंगे तो आपको पढ़ाई में प्रॉब्लम होगी, आपको कंफर्टेबल क्लॉथ में इचिंग भी हो सकती है अगर आप नहीं बहुत टाइट टाइट पहनते हैं तो, और उसके अलावा आपको जो कि है लिखने में प्रॉब्लम होगी, राइट करने में कुछ। तो फ्रेंड्स यही थे मेरे आज के कुछ हैक्स, अगर आपको हेल्प पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो भी प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और हाँ इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये कि आपको टाइम टू टाइम स्लीप लेनी चाहिए, क्योंकि आपको एक दिन में 7 to 8 hours की नींद लेनी चाहिए, अगर लेनी चाहिए, अगर आप वो नींद नहीं लेते हैं, स्लीप नहीं लेते हैं, तो भी आपका स्टडीज में मन नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।